नमस्कार, मैं हूं गुड्डू जेके और आप देख रहे हैं हिंद टीवी न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज, 24 घंटे आपके साथ। हिंद टीवी न्यूज में आर्य शाहदेव जी, आपका खोड़ा की सरजमीन पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पार्षद लड़ रहे हैं जी जनता के लिए और जनता के बीच में है जी, आप जी, क्या क्या कार्य करेंगे और जनता? मैं राजेंद्र यादव, वार्ड नंबर 16 से सभासद प्रत्याशी हूँ। कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया मेरे को। मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा वार्ड नंबर 16 में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको हल करना। दूसरी समस्या जो है नालियों की, जो सफाई बदतर हुई पड़ी है, इनको साफ करवाना। तीसरी समस्या, महीने में एक दिन दवा का छिड़काव कराना। कॉलोनी में किसी भी चौक चौराहे पर जहाँ अंधेरा रहता है सभी पर लाइट लगवाने का काम करूँगा, और किसी भी तरह की गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। जो कॉलोनी में इस तरह की गुंडागर्दी होती है चौक चौराहों पर बहन बेटियों के साथ में, उसको नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में। और नालियों की सफाई, दवा का छिड़काव और बहुत सारे मुद्दे हैं कॉलोनी में, जो गली नहीं बनी है। मैक्सिमम 16 नंबर वार्ड की 6-7 गलियाँ जो पेंडिंग पड़ी थी उनको मैं पास करवा चुका हूँ नगर पालिका के माध्यम से। और यादव जी, हमारा भारत जो है एक रतन रहा है प्यार की भाषा में, हिंदू मुस्लिम एकता में, क्या अपने वार्ड से जो है आप क्या मैसेज देंगे? मैं अपने वार्ड से सभी भाइयों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं सभी समाज में मिलकर रहता हूँ उसी तरह से सब लोग मेरी नकल करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं और इतना तोड़ रहे हैं जिससे कि आने वाले टाइम में 1947 से पहले की स्थिति दिखाई दे रही है आज की तारीख में। जैसे अभी बताते हैं कि नारी का सम्मान करेंगे, नारी लिखा होता है, नारी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी नचाओ का काम होता है, बाकी कोई काम नहीं होता है। बेटी बचाओ का काम नहीं होता है किसी भी हालत में, नहीं दिखाई दे रहा है। बेटी पढ़ाओ नारा तो है, अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे? 400 रुपये का सिलेंडर 750 में मिल रहा है, अब इससे बढ़िया दिन क्या आएगा? जो 70 रुपये जो पेट्रोल की कीमत थी वो आज 77 पर चल रही है, इससे बढ़िया दिन क्या आएगा? तो आप अपना मैसेज जो है, मैं वार्ड नंबर 16 के माध्यम से मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हूँ, हैसियत रखता हूँ। अगर मेरे को आप लोगों ने मौका दिया तो मैं इस वार्ड नंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। बहुत बढ़िया, जय हिंद, जय भारत, जय खोड़ा। हम सबका निशान, हम सबका निशान, बहनों भाइयों का निशान, भारत की जान, भारत की जान, भारत की शान, हमारा वार्ड का निशान, आरएस यादव का निशान, आरएस यादव का निशान, आरएस यादव का निशान, हम सबका निशान, वार्ड नंबर 16 का निशान, कांग्रेस का निशान, भारत की शान, भारत का निशान, भारत माता की, भारत माता की, हम सबका निशान, आरएस यादव जी का निशान। मैं पुष्पा यादव, धर्म पत्नी राजेंद्र सिंह यादव, जो वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस प्रत्याशी हाथ के निशान पर खड़े हुए हैं। मैं खोड़ा वासियों से 16 नंबर वार्ड से अपील करती हूँ कि एक शिक्षित समाज, स्वच्छ प्रत्याशी, और आप उसको एक धर्म का जो सर समाज से सम्मिलित हैं उनको अपना कीमती वोट देने का कष्ट करें। और सभी भाई बहनों को एक मैं चेतना देती हूँ कि अगर खोड़ा का विकास चाहते हैं और खोड़ा की उन्नति के लिए, एक ये बहुत छोटा सा चुनाव है, ये कोई एमपी एमएलए या पार्टी का चुनाव नहीं है, ये एक आप निजी अपने घर कॉलोनी के विषय से है, नगर पालिका का। इसमें ऐसे प्रत्याशी को चुनिए कि जो पढ़ा लिखा एक शिक्षित समाज से हो, आपकी समस्याओं को सुने और आपकी समस्या आगे तक पहुँचाएँ। आज मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि सभी भाई बहनों, सभी लोगों से कि आप एक जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।